मारे टोलने बेठोरे मोर क्या मोरे, मारे टोलने बेठोरे मोर का मोरे, मारे टोलने बेठोरे मोर का मोरे, मारे टोलने बेठोरे मोर का मोरे। नमस्कार, जय जय गरवी गुजरात। मैं गायत्री विद्यालय में अभ्यास करती हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। एनसीईआरटी और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग न्यू दिल्ली से आयोजित कला उत्सव 2015। कला उत्सव का उद्देश्य कक्षा 8 से 12 में पढ़ते हुए छात्रों की कला प्रतिभा को पहचानना, प्रोत्साहित करना और शिक्षा में कला को आगे बढ़ाने का है। ऐसे शुभ उद्देश्य को सही रूप से हम हार्दिक स्वीकार करते हैं। अब जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारी लोक संगीत कला की कलाकृति बेटी बचाओ बेटी आधारित कलाकृति। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज मुझे आनंद है और गौरव है कि आप सभी को इसलिए बुलाया है कि आप प्रार्थना सम्मेलन हमारे स्कूल का जो है उसमें अच्छी प्रतिभा है आपके गले में, गाने की, किसी के पास वादन की, तो हमें एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने एक ऐसा परिपत्र भेजा है कि हमें परंपरा हो जो है हमारी जो परंपरा है उसमें हमें लोक गीत के बारे में कुछ करना है। नमस्कार। तो भाई आइए। नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र भाई, कैसे हो? आज सभी इन बच्चों को हमें आरएमएस से न्यू दिल्ली ने एक अच्छा परिपत्र किया कि जो हमारी परंपरा है ट्रेडिशनल गुजरात की, वो परंपरा में इन बच्चों को संगीत कला के बारे में आपको कुछ बताना है। नमस्कार। 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 आइए विजयनंद जी, कैसे हो? अच्छा नरेंद्र भाई, बहुत अच्छे। तो आज आपको इसलिए बुलाया है कि आप तो हमारे लोक संस्कृति के अच्छे कलाकार हो, आप अच्छी तरह से ये जो आपका है रावण था बजा लेते हो, लेकिन आज इन सभी बच्चों को आपको बताना है कि हमारे लोक संगीत में कौन कौन से वाद्य आते हैं और उसको किस तरह से बजाए जाते हैं। हाँ, तो बच्चों आपके सामने जो बात की थी मुझे लोकगीत के बारे में लिखने की, वो मैंने लिख दिया है और उसकी तरफ भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गाया जाता है। आप गाओगे ना अच्छी तरह से? नरेंद्र भाई, आज छोकरी नो आवाज लोकगीत माटे सरस मजानो। गुजरात में जो लोकगीत की परंपरा है वो बहुत पुरानी है और बहुजन समाज में से जो गीत आए हैं उसको लोकगीत कहा गया है। लोकगीत के प्रकार में शादी होती है ना अपने वहाँ, वहाँ भी जो गाए जाते हैं उसको लग्न गीत बोलते हैं गुजरात में, तो लग्न गीत गाए जाते हैं। और जहाँ पर मेला लगता है, मेले लगते हैं अपने वहाँ, तो मेले में भी ये जो लड़के लड़कियाँ युवान होते हैं वो जाते हैं तो वो भी गाते हैं, उनकी उर्मियाँ उसमें से निकलती। कैसे? गुजराती में थोड़ा सुना दे मैं आपको। शैल रम तुड़ी तारे ने मारे माया, लाजी शैल रम तुड़ी, कुआ में कबूतर बोले कुआ। ऐसे लोकगीत लग्न गीत भी गाए जाते हैं। कंकु छाटी कंको, ये सब जो है ये हमारे बहुजन समाज की परंपराओं में से जो निकले हैं, यही गीत जिसको क्या कहते हैं लोकगीत। आपने लोकगीत के बारे में तो बताया ठीक रमेश भैया, अच्छा, लेकिन ये बच्चों को ये बताओ कि लोक गीत के साथ जो संगीत बजता है अच्छा, कौन कौन से वाद्य आते हैं? बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छी बात बताई, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में अभी जो आज के जो संगीत के साधन जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो उसमें नहीं आते हैं। हमारे वहाँ पहले रावण हत्था, हमारी सरस्वती माता को तो आपने देखा होगा, उनके हाथ में वीणा है, सितार है, मृदंग है, और मृदंग जो है उससे एक ढोल बना हुआ है एक पैरडी में, तो ढोल बजता है। हमारे वहाँ होली दिवाली कई त्यौहार आते हैं,
तो ऐसे ढोल जो बजते हैं और शहनाई, जो शहनाई बोलते हैं वो अलग चीज है, लेकिन हमारे गुजराती में शरणाई, शुं कहे छे एने, शरणाई, लगन माय वागे, भजन माय वागे, अने लोकगीत में पण वो बजती है, उसको भी हमारे लोकवाद्यों में उसको गिना गया है। तो इस हिसाब से भी मंजीरा आ सकता है क्या? हाँ, मंजीरे तो हर जगह बजते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो पारंपरिक वाद्य हैं तो ये ढोल है, ये जो ढोल है वो हर जगह पे बजता है हमारे त्यौहार पे, और कई लोग इसका उपयोग शादी में भी करते हैं, बाद में ढोल के साथ शरणाई भी बजती है, ये है शरणाई है क्या। और ये आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन, अब ये जो बजती तब मजा आती है, और ये उनके हाथ में जो है वो हमारे गुजरात के बहुत बड़े कलाकार हैं विजयानंद भाई, सरकार ने भी उनको, हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने उनको ये रावण हत्था इसको बोला जाता है, उसके तजज्ञ में उनको लिए हैं, ये हमारे गुजरात के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और ये बच्चों को ये सिखाते भी हैं, इसको रावण हत्था बोलते हैं। हाँ तो विजयानंद भाई बताइए, रावण हत्था क्या चीज़ है? नमस्कार, मैं भोई विलास, इस संगीत कला प्रतियोगिता के लीडर। हम अब जो संगीत कला प्रतियोगिता करने जा रहे हैं उनके मुख्य गायिका है भोई हेतल, नमस्कार, और जो कोरस में हमारा साथ दे रहे हैं वो है भोई नीलम, नमस्कार, भोई मेघना, नमस्कार, भोई अनिता, नमस्कार, भोई सोनल, नमस्कार, खाट वर्षा, नमस्कार, और जो हमारे संगीत कला के वादक है वो है नायक अल्पेश, नमस्कार, खाट आनंद, नमस्कार, पटेल जनक, नमस्कार।